बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रसोई जायका। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वह है मिक्स फ्रूट आइसक्रीम। चलिए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रही हूँ और कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक आम, केला और आदि। इन सब चीज़ों को मैंने काट के जिप्लॉक बैग में डाल के ओवरनाइट फ्रीजर में रख दिया था थोड़ा चिल होने के लिए। और साथ ही मैं इसे यूज़ कर रही हूँ एक कप से ज़्यादा व्हिप्ड क्रीम। अगर आपके पास व्हिप्ड क्रीम ना हो तो आप इसके तक फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं एक पैक लूँगी मैं 200 ग्राम का कंडेंस, और साथ ही में जाएगा 1 टीस्पून वनीला एसेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ब्लेंडर जार में ये सारे फ्रोजन फ्रूट्स डाल दीजिए। और इसके साथ ही इसमें हम क्रीम डाल देंगे जो कि मैंने ली है एक कप से ज्यादा, और कंडेंस मिल्क भी सबसे ज्यादा लिया है। याद रखिए कि इस टाइम थोड़ी मिठास ज्यादा रखिएगा क्योंकि आइसक्रीम बनने के बाद थोड़ी सी मिठास कम रह जाती है। तो मेक श्योर के इस टाइम आप थोड़ा मीठा ज्यादा रखें। और इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आपके पास वनीला ना हो तो कोई और सा फ्लेवर भी डाल सकते हैं। इन सब चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए आइसक्रीम का टेक्सचर आ चुका है, यही कंसिस्टेंसी चाहिए हमें आइसक्रीम की। थोड़ा सा टैप कर लेंगे, फिर एक पॉलिथीन शीट लेके उसे कवर कर देंगे ताकि ऊपर की परत जमे नहीं, हार्ड ना हो। अच्छे से कवर कर देना है और इसे ढककर रख देंगे फ्रीजर में 6 से 7 घंटे के लिए, थोड़ा चिल होने के लिए। आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर मैं कटिंग करके सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो गोल में करके स्कूप आउट करके भी सर्व कर सकते हैं। ऊपर से मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ आम और सेब। जो फल मैंने आइसक्रीम बनाने में डाले हैं वही मैं गार्निश में यूज कर रही हूँ। इट्स अप टू यू कि गार्निशिंग आप अपने हिसाब से करें। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ किया है, काजू बादाम का, थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अपने आइसक्रीम को। और प्रिजर्व कर दिया है मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप, आप इसकी जगह चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। तो लीजिए बनकर रेडी है क्विक एंड इजी मिक्स फ्रूट आइसक्रीम, बनाने में बहुत आसान थी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक क्विक एंड इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हाफिज़, सी यू सून।